स्कोपिंग कितने प्रकार के रहते हैं और कौन से एरिया में कौन सा स्कोप करना चाहिए? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह से फूड पाइप में जाके स्टमक में जाता है, छोटी आंत में जाके फिर पाचन होके फिर उसके बाद बड़ी आंत से पानी का रीअब्सॉर्प्शन होता है और बाद में स्टूल बन के एनस के थ्रू निकलता है। तो ऊपरी हिस्सा यानी कि मुंह से फूड पाइप और स्टमक तक और छोटी आंत की शुरुआत तक जाना है तो अपर जीआई एंडोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, ओजीडी स्कोप, यूजीआई स्कोप, जो भी कहें। उसके बाद छोटी आंत जो है अडल्ट में ऑलमोस्ट 5.5 से 6 मीटर होती है, उसके लिए एंटेरोस्कोप लगता है जो एक लंबा प्रोसीजर है, किसी किसी में ही किया जाता है। उसके बाद बड़ी आंत को अगर देखना है तो इतना लंबा रास्ता तो तय नहीं होगा, तो बड़ी आंत को चेक करने के लिए पेट सफा करके टॉयलेट के यानी कि टॉयलेट जहाँ से पास होता है इनस, वहाँ से कोलोनोस्कोप किया जाता है, कोलोनोस्कोपी कहते हैं, पूरी बड़ी आंत को देख के और उसके जंक्शन जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की जंक्शन है वहाँ तक जाके उसको आगे थोड़ा देख के वापस आ सकते हैं। ये कोलोनोस्कोप होता है, ये अपर जी एंडोस्कोप और नीचे वाला जो है कोलोनोस्कोप, बीच में होता है एंटेरोस्कोप। इसके अलावा ईआरसीपी होता है, कॉमन बाइल डक्ट के स्टोन्स और स्ट्रक्चर के लिए और मैलिग्नेंसी का भी लगा तो, और उसके अलावा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है जो कि एक स्पेशल केसेस में ही किया जाता है। यही मेजर मेजर प्रकार के स्कोप है। कई बार सिग्मॉइडोस्कोपी हम सुनते हैं, सिग्मॉइडोस्कोपी बेसिकली कोलोनोस्कोपी का छोटा वर्जन है जिसमें हम सिग्मॉइड कोलन यानी कि बड़ी आंत के थोड़े हिस्से में जाके रिटर्न आ जाते हैं, इसे कहते हैं। और प्रोक्टोस्कोप जो रहता है जो ओपीडी बेसिस पे किया जाता है, सिर्फ टॉयलेट की जगह और रेक्टम के बगल में देख के रिटर्न आते हैं, इस प्रकार की एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी होती है। और सर एंडोस्कोपी के रिपोर्ट तुरंत मिल जाते हैं कि टाइम लगता है? जी हाँ, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी के रिपोर्ट्स डॉक्टर आपको तुरंत लिख के फोटोग्राफ्स और प्रिंटआउट दे के देते हैं। उसमें बायोप्सीज जो लेके हम पैथोलॉजिस्ट के पास हम जो भेजते हैं तो उसका रिपोर्ट 2 से 4 दिन 5 दिन जितना भी पैथोलॉजिस्ट को टर्न अराउंड टाइम है उसके हिसाब से मिलता है। अच्छा,